Holographic imagination as well. All side viewing with all senses. तो डिस्कस की कर रही कि होलोग्राफिक इमेजिनेशन ये है कि आप इमेजिन करें किसी विषय को, उसका तस्वीर करें होलोग्राफिक. सिंपल फ्लैट इमेजिनेशन काम नहीं करता. सही. अपनी बात जो वो है, आपको दो अल्फाज दिए हैं, फ्लैट पिक्चर और होलोग्राफिक पिक्चर. जी सर. अगर आपको ये सब इस वक्त समझ में ना आ रहा तो आप असल में इसे रब्ता करके बयान सबसे पहले दाखिल में जो है इसकी तफसीलात बताएंगे वो आप हासिल करेंगे. हुजूर इंटरनेट पर दे दिया है, इंटरनेट पर मौजूद है, आप इनसे वो लेकर के ना इसका सारे डिटेल्स सुन लें, देख लें, चेक कर लें, आपको बड़ी बातें समझ में आ जाए. लेकिन यहाँ आपकी रूहानी ज़ियाफ़त के तौर पर आज आपकी ज़ियाफ़त होनी चाहिए ना. अच्छा काम करने वाले को शाबाश मिलनी चाहिए, आपको शाबाश देना. आपको ये बताया कि जब आप जोन कौन सा है, ट्वाइलाइट जोन, स्टेट कौन सी है, ड्रोजीनेस, यानी आपको नींद आई हुई है, आप ड्रोजीनेस की स्टेट में हैं और आपने एक चीज हासिल कर ली, आपने होलोग्राफी कर ली. अब ऐसा है कि मुझे उर्दू में अभी तक इसके लिए कोई लफ्ज नहीं. लेकिन अगर आप पेंसिल को कुछ और कहना चाहें तो शायद समझ ना आए, तो पेंसिल के गलत समझ आ जाएगा. जी सर. या रेडियो को अगर कोई और नाम कहना चाहे तो शायद आपको समझ ना आए, रेडियो और टीवी पर उसको इस्तेमाल करेगा तो कौन समझ आएगा. इसी तरीके से होलोग्राफिक का लफ्ज और होलोग्राफिक पिक्चर का लफ्ज आपके जहन में बिल्कुल वाजे होना चाहिए कि ऐसी तस्वीर जो हर तरफ से ली जाए. जी सर. सिंपल, हर जेब से बनने वाली किसी शय की तस्वीर या होलोग्राफी. जब आप किसी शय को इमेजिन करते हैं ड्रोजीनेस की स्टेट में, वाइट लाइट्स जोन में, ये प्योर रिसर्च में आप कर रहा हूँ, जिसका एक्शन में से हमेशा पानी बनता है, एक तो लेट आया और दूसरा सीरियस में है, उन्हें गाइड ना करें, वो अपना काम ठीक करें. क्या कर रहा था कि आपने टाइम जोन का तयन कर लिया, स्टेट अपनी बॉडी स्टेट के बॉडी कंडीशन का तयन कर लिया, अपनी जरूरत का तयन भी कर लिया, ये चीज मुझे चाहिए. ठीक है. तो इन तयनात के बाद आपने होलोग्राफिक पिक्चर होलोग्राफिकली इसको पिक्चराइज करना इमेजिन करना. सही. उस शय को कि जो कि आपने हासिल करना. ठीक हो गया. आप उसके बाद आपने जो अपना काम करना है उसको समझा. होलोग्राफिक क्वालिटी इंसान के अंदर सिर्फ और सिर्फ दिल के थ्रू पैदा होता है. होलोग्राफिक, होलोग्राफी की कमांड, होलोग्राफी सही, उसकी कमांड इंसान के अंदर दिल के थ्रू पैदा होती है. अगर होलोग्राफिकली बदन का कोई ऑर्गन होलोग्राफिकली इमेजिन कर सकता है तो सिर्फ दिल. सही. ठीक है. यानी हर तरफ से किसी शय पर अगर कोई मोहित है तो दिल, सिर्फ दिल, बाकी किसी चीज के अंदर ये पावर नहीं रखी है. सही. जिसका इकबाल ने इसी को शायद डिस्क्राइब किया है कि घर से दिल जिंदानी आबो गिरस, अगर से दिल अब हवा का कैदी है, अब आप पानी और मिट्टी का कैदी है, इन हम आफाक आफाक के दिल से, ये जो आफाक हैं, ये शर्क, ये गर्ब, ये शिमाल, ये जुनूब, ये सारे दिल की होराइजन है. सही. दिल के आफाक 14 तबक दे रहे हैं. वही बात हमें बताता नहीं हूँ, आपने सब याद है. तो वो चीज जो उस वो अर्गन कि जिसके अंदर ये क्वालिटी रखी गई है वह दिल है. अब इस बुनियाद पर दिल का एक नाम रखा गया है होलोग्राफिक आर्ट. सही. होलोग्राफिक आर्ट एक नाम. दिल के अंदर एक कुवत जो अपनी तरफ खींचती है
और जो भी इंसान जिस चीज का भी तसव्वुर करता है इंसान अपनी तरफ उसको भेज देता है। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद गौस वाजारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने हजरे के अंदर बैठकर इस वाक्य को मैंने अपनी किताब में इन द पैराडाइज ऑफ रेडियंस सूफी एटिंग में तफसील से डिस्क्राइब किया। हजरे के अंदर बैठकर एक मन पसंद इंसान को किस तरह खींच कर अपनी तरफ बुला लिया था। सही वही कोई आए आए और आप उसको स्टडी करें तो वहां जन्म करना, जन्म की कुवत, अपनी तरफ खींचने की कुवत, इस कुवत की बुनियाद पर हर्ट का साइंटिफिक नाम रखा गया है मैग्नेटिक। जो चलता जाएगा फायदा उठाता जाएगा, जो रह जाएगा रहता जाएगा, दरिया को अपने मौज की तो यानियों से काम, कश्ती किसी की पार हो या ना हो। वाह वाह, मैंने कहा था कि वक्त आ रहा है, साथ नहीं चलोगे तो पीछे रह जाओगे, और पीछे रह जाओगे तो आज सबक तुम्हारे ऊपर फम फम के गिरे और उसके अगले दस पर पीछे चली जाएगा। बेशक जिन दोस्तों ने सबक याद नहीं किया वो बैठे रहे, हम क्या और क्या कर सकते हैं, खिदमत कर रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, अगर फिर भी कोई उस पर गौर ना करे, उसको अकल ना आए, बल्कि दूसरे उसने इनकम से शर्म ना आए, इट्स सही तहकीक पेश है, रिसर्च पेश है, तो उसकी मर्जी। क्या आज कारण कि आर्ट का एक नाम होलोग्राफिक, यानी किसी भी शय को होलोग्राफिकली एनकम्पास करना, यह क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ दिल के अंदर, इसलिए दिल का एक नाम है होलोग्राफिक हार्ट। दिल का दूसरा नाम है खींचना, अपनी तरफ जिसे चाहो खींच लो, मैग्नेटिक हार्ट, या दिल ही मदीना जा पहुंचे या दिल में मदीना आ जाए। तो इसको कहते हैं मैग्नेटिक हार्ट। और जब किसी शय को डिस्पेल करना, ठीक है, अपनी तरफ खींचना पड़ता है, पर डिस्पेल दूर करना, दूर करना, तो उसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होती है खींचने के साथ दूसरी कुवत रिपल, रिपेल करने की है और रिपल्शन की, ठीक है, उसको आप कहेंगे रिपल्सिव हार्ट, एनर्जेटिक, एनर्जेटिक जो दोनों इधर का भी उधर का भी, ठीक ठीक, ये सारी कुवतें किसके अंदर है, दिल के अंदर। जब आप किसी शहर को होलोग्राफिकली इमेजिन करेंगे तो आप साथ मैग्नेटिक हार्ट भी इसके साथ, वाह, ठीक हो गया। ये मैंने मिलादे पाक की बात नहीं बताई थी, ये मैंने उनको बतानी है कि जो मेरे वफादार दोस्त भाई और बेटे हैं जिन्होंने काम किया सरकार के मिलाद की मैं उनको सजाव सजा, ठीक है, ये होंगे। अब आपके सामने इमेजिन टाइम ए, टाइम जोन, अपनी कंडीशन दो, अपने नीड का तायुन तीन, होलोग्राफिक कंसेप्ट चार, होलोग्राफ होलोग्राफिक हर्ट का इस्तेमाल पांच, मैग्नेटिक हर्ट का इस्तेमाल छह, और एनर्जेटिक हर्ट का इस्तेमाल सात। पूरा फार्मूला दे रहा हूँ, अभी आपको एक मिसाल दे, ये क्या है? 100 रुपए का नोट है, ठीक है, तो फर्ज करें तुसा जब करे तो 100 रुपए का करे, 1000 रुपए करे, फायदा हो सके, फायदे को चुके ले ये नहीं हजूर, उन 5000 ना क्या ना, हां पर 5000 की हो गया। अच्छा तो जरा आप ये बताइए कि मेरे पास मेरे ब्रदर तशरीफ फरमाए, ये नोट इनको जिस तरह नजर आ रहा है, पीछे बैठे हुए बंदे को उतना ही नजर आ रहा है? नहीं नहीं सर, नहीं ना, उनको ये साइड बैक साइड नजर आ रही है, ये बैक साइड नजर आ रही है इनको,
फ्रंट है इनका जो समय शायद इनको हो रहा है अब ये जो पीछे ये कौन सा बना है ये हाईकोर्ट की है किसी है इस्लामिया कॉलेज की इस्लामिया कॉलेज की जो बिल्डिंग है ये आपको नजर आ रही है इनको ये नोट बड़ा इसलिए नजर आ रहा है कि ये इसके करीब है उनको ये छोटा इसलिए नजर आ रहा है कि वो दूर है इनको भी लेकर इनको भी स्पॉट साइड साइज नजर आ रहा साइज नजर आ रही है उनको भी उस तरफ वालों को भी कंप्रेस साइड नजर आ रही है ठीक है अब फर्ज करें हमारे ब्रदर ने ये नोट हासिल करना है हार्ट की इमेजिनेशन होलोग्राफिक इमेजिनेटिव पावर के साथ इस नोट के इस तरफ से भी देखें फिर अपने आप को शिफ्ट करें उस तरफ से देखें आपको याद होगा कि मैंने इसी मस्जिद में आपको एक अमल कराया था कि सामने देखना लेकिन इमेजिन लेफ्ट को करना सामने देखना इमेजिन अब इस सूरत में हमारे जो व्यूअर है नोट का देखने वाला वो ऊपर से देखेगा नीचे से ठीक है ये इसने देखने वाले क्या किया इसको एक होलोग्राफिकली देखने की कोशिश की सही दिस इज जस्ट होलोग्राफिक व्यूइंग यह सिर्फ होलोग्राफिक व्यूइंग है अब अगर आप होलोग्राफिक लिसनिंग करना चाहें फाइव सेंसेस का जी बिल्कुल सही फाइव सेंसेस का इस्तेमाल होलोग्राफिक लिसनिंग करना चाहें सही नोट की एक खास आवाज होती है ठीक है वो आवाज कहीं से अपने कानों में डालने की कोशिश करें और उसको भी होलोग्राफिकली लिसन करें सही यानी अगर आप इधर बैठे हुए तो आवाज किस तरह होगी उधर बैठे हुए किस तरह होगी जरा दूर हो तो कितनी आएगी किस तरह कम होते जाएगी किस तरह ज्यादा होगी बल्कि अगर आप इसको और होलोग्राफिकली इस साउंड को तेज करना चाहें तो इस साउंड को किसी सही अब आप उसको होलोग्राफिकली टच करेंगे होलोग्राफिक व्यूइंग वन होलोग्राफिक लिसनिंग टू होलोग्राफिक टचिंग तीन होलोग्राफिकली आप इसको टच करेंगे आप टच में देखेंगे कि ये कागज है लोहा नहीं है आपके होलोग्राफिक बॉडी या एक नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है इनामी बैठेगा प्राइस आपकी जिस तरह हर शहर की होलोग्राफिक व्यूइंग होती है होलोग्राफिक टच है होलोग्राफिक लिसनिंग है होलोग्राफिक स्मेलिंग है इसी तरीके से आपकी अपनी होलोग्राफिक एग्जिस्टेंस भी है आप उस शय को जिसको आपने क्या करना है हासिल करना है ठीक है होलोग्राफिकली व्यू कर रहे हैं लिसन कर रहे हैं स्मेल कर रहे हैं टच कर रहे हैं और इवन ह्यूमन टेस्ट करें किसी ने उसके साथ कोई ऐसी चीज लगा दी जो टेस्टी है आप उसको टच करें जबान के साथ उसको भी आप लें लेकिन याद रखें कि आप ये सारा उस शय की मटेरियल बॉडी के साथ ही नहीं उसकी होलोग्राफिक बॉडी के साथ ये डीलिंग कर रहे इंटरेक्शन कर रहे समझ आ गई बिल्कुल आपकी बॉडी जो होलोग्राफिक है और होलोग्राफिक बॉडी से मतलब है कि होलोग्राफिक हार्ट का इस्तेमाल होलोग्राफिक मैग्नेटिक हार्ट का इस्तेमाल और होलोग्राफिक एनर्जेटिक हार्ट का इस्तेमाल
क्या जो टाइम और स्पेस से आजाद है। आपने उस चेयर को होलोग्राफिकली इमेजिन कर लिया पांचों सेंसेस के साथ, आपने पांचों सेंसेस का नाम बार बार नहीं लिया, मोनोटोनी हो जाती है, तो पांचों सेंसेस के साथ आपने होलोग्राफिकली आपने उसको एनकंपास कर लिया। अब आपने अपने होलोग्राफिक बॉडी के साथ उसको टच करना है रूए जमीन पर कहेंगे सही, और मैग्नेटिक मैग्नेटिक हर्ड के साथ उसको अपनी तरफ कैच लेना है सही, उसको अपनी तरफ पुल करते हुए मैग्नेटिक हर्ड के साथ। याद रखें सिर्फ बाजू के इस्तेमाल से बात नहीं बनेगी सही, सिर्फ हाथ के इस्तेमाल से बात नहीं बनेगी, सिर्फ सोच के इस्तेमाल से बात नहीं बनेगी। ये एक ऐसी चरखी है, ऐसा लीवर अंदर लगा हुआ है, खेचोगे तो हार्ट से खेचोगे। ये वो लगता है जो शायद कम लोगों को पता होता है, बता जिसको पता होता है बताता भी कम। सही ठीक, आपने मैग्नेटिक हर्ट के जरिए इस चीज को खेच लेना है। आले रूहानियत ने एक बड़ा खूबसूरत अमल लिखा, मैंने पैसों की बात इसलिए चली है क्योंकि पैसों से मुझे फायदा होता है, क्योंकि आपके दिन की खिदमत होगी, इसलिए मैंने ये पैसे वाली मिसाल आपको दी है। तो एक अमल लिखा है कि आप जब ट्वाइलाइट जोन में जाएं, ट्वाइलाइट जोन में अपने बदन से निकलना बड़ा आसान हो जाता है, और आप अपने बदन से निकलें और उन बॉडी को एस्ट्रल बॉडी को अपने बदन से जुदा करें और अपने घर से मगरिब की तरफ चल पड़े। मगरिब की तरफ एक इमेजिनरी सेंचुरी क्रिएट करें। साजिद भाई बेटे आपने फतवा तैयार करने के इमेजिनरी ना मतलब ही नहीं पता, सेंचुरी ना मतलब ही नहीं पता, ये गैर डिग्री का समझ क्या बन सकता है। इमेजिनरी ना मतलब ख्याल है, सेंचुरी ना मतलब है एक मुकद्दस जगह, सेंचुरी सही S A N C U R Y सेंचुरी, एक ख्याली मुकद्दस जगह, घर से मगरिब की जगह। एक यूं समझ लें कि आप हमारे लिए बड़ा आसान एक सवाल कर रहा हूँ कि किसी वली का आस्थान है, ठीक है, किसी वली का आस्थान है या जो भी करीबी वली का आस्थान है और मगरिब की जानिब वापस कर सकता है, उस वली के आस्थान पर एक दर्द मिलेगा। आप होलोग्राफिकली आप अपने ये जितनी एस्ट्रल बॉडीज है डिगर बॉडीज ये सारी होलोग्राफिक बॉडीज है, ये होलोग्राफिक बॉडीज की डायमेंशन है। हर डायमेंशन में इंसान की एक मुख्तलिफ बॉडी काम करती है। ये जन्म में भी अगर तुमने सारा कुछ उनको देना है, ठीक है ना, तो हर डायमेंशन में एक अलग बॉडी काम करती है। सही, वो बॉडी जो आप अपने बदन से निकाल के वेस्ट साइड पर वेस्ट वर्ल्ड सेंचुरी में ले जा रहे हैं, वो बॉडी जब वहां पहुंचती है तो वहां एक बली के आस्थान पर एक दरख्त, उसके इमेजिन, और उस दरख्त के साथ पत्ते नहीं थे, ये जो आपके डिजायर्ड नोट है ये लगे। सही, जितना चाहे तोड़े, और अपने घर में लाकर कोई ऐसा लॉकर हो उसमें सही, उस लॉकर के तकद्दस का ख्याल रखें। मेरी बात समझो, क्या कह रहा हूँ, तकद्दस का ख्याल, यानी बाजार जाहिर दुनिया में भी वो लॉकर, वो तो आप द वर्ड ऑफ इमेजिनेशन में ना और ग्राफिक वर्ड में जाहिर तौर पर भी उसके तकद्दस का ख्याल रखें, और जहन में कहें इसी मुकद्दस लॉकर में मैंने इनको रखा, बताना किसी को नहीं, आपको जिम्मेदार है। ठीक है,
उसका ख्याल रखें और मार आप आराम होंगे कि जब जाहिरी दुनिया में ये तो आपने रूहानी तो नहीं किया जब जाहिरी दुनिया में आप देखेंगे कि कोई बंदा जितने नोट आपने रात को होलोग्राफिक वर्ल्ड में तोड़े थे जाहिरी दुनिया में तो लेकर आपके पास आ रहा ठीक है। ये मैंने उस दिन इस टॉपिक पर बात की और ये समझाने की कोशिश की थी वो गुफ्तगू उस दिन वाली और आज की गुफ्तगू आप आपस में मैच कर लें तो आपके पास कंप्लीट फार्मूला आ जाए। ठीक है, जो कुछ भी आप हासिल करना चाहते हैं उसके लिए तकरीबन सारे नुकात अगर निकाल अगर फिर भी कुछ समझ ना आए तो कैसेट्स भी मौजूद हैं, मैं खुद भी मौजूद हूँ, आप उनको सुने, बार बार सुने और जो समझ ना आए मेरे करीबी अजीजों से आप रबता करके आप उनसे इसकी चर्चा कर सकते। आप आराम होंगे कि ये दुनिया रो रही है। ये तो दुनिया रोती पिटती रहती है, अरे मारे गया है, अल्लाह ने जाना, अल्लाह भी पूछना कुछ और जाना, नमाजा ने साड़ा अल्लाह होना, उसके बाद किसे और होना। ये फजूलियात, ये काफराना स्टेटमेंट्स हैं। जो लोग कहते हैं कि मैं अल्लाह के आगे दुआ करता हूँ और अल्लाह नहीं सुनता मेरी, उसने अल्लाह के समीअ होने का इनकार किया, उसने अल्लाह के मुजीब होने का इनकार किया, ये कुफ्र है। कभी हो ही नहीं सकता अल्लाह पाक ना। साथ बहुत सारे दोस्त थे तो दोस्तों की तो बहुत सारी किस्में होती है ना। तो हजरत सलाम के मुबारक पास बैठे हुए ये फरमाते हैं कि मैंने देखा कि संगी खाई तो मुझा पर हाथ मारी चुके थे, हजरत शहनशाह नशमान राशि का शिकर मां खाए कुछ समझारी बात जी। संगी की किस्म होनी है ना, उन्होंने वैसे मेरी थे से उन्होंने ऊपर तो क्या ही कोई नहीं शायद खाने पे की कोई रोटी सामने लाया शायद भी कोई कुछ तो कुछ सुनाना पैड़ा पार करेंगे तो जो मोहब्बत वाले थे उन्होंने देखा कि अगर शमशान अक्षमान खाना तनाव नहीं कमाए तो उनमें से एक नाज के सोच में खाना तनाव नहीं कमाए तो हमारी दिल पर बड़ी कयामत गुजर रही थी। आपने क्या फरमाया, इसलिए नहीं खा रहा कि ये खाना पकाते वक्त वो शख्स जिसने ये खाना पकाया वो गुस्से में कौन कह रहा है शहंशाह नशबंद वो गुस्से में था, उसके गुस्से का जहर नौसर इस खाने में शामिल है, ऐसा खाना कभी नहीं। अब दोस्तों अंदाजा ये करना कि खाना पकाते हुए जो बच्चों को गालियां देने वाली खवातीन या खाना पकाते हुए तो मुलाजिम घर का कोई खाना पका रहा हो या कोई अपना अजीज पका रहा हो और उसके अंदर कयामत भरी हुई हो, हाँ उसा कर रहा हो कि मुझे सोने नहीं देते, मुझे अभी कॉलेज भेजेंगे, ये यूनिवर्सिटी जाऊंगा क्या बनेगा, मुझको नौकरी पर भेजेंगे, ये भी क्या मुसीबत है, ये उसके अंदर एक गुस्सा खा घर वालों पर, खा नौकरी पर या खा पढ़ाई पर या खा किसी और चीज़ पर, अच्छा मैं खाना खा लूँगा फलां बंदे ने मुझे गाली दी थी, खाना पकाने के बाद या खाना खाने के बाद पहले जाकर गोली उसे मारो। अब उसे गोली लगे या ना लगे इसने अपने आप को गोली मार दी क्योंकि खाने में सच्चा मतलब गुस्से के नहीं, गुस्से को आराम क्यों कहा गया, इसी वजह से कि जिस चीज पर किया जाएगा उसको उसमें आराम शामिल कर देगा, और हर चीज को आराम करना हो तो उस पर गुस्सा उसमें गुस्सा है। ये हजरत शहंशाह नशबंद का इशारे ग्रामी कि आपने फरमाया कि मैं इसलिए नहीं खा रहा
कि जिसने खाना पकाया था पकाते वक्त वो गुस्से में। दोस्तों दुआएं इसलिए कबूल नहीं होती कि वो गुस्से वाले खाने खाकर फरिश्ते उसकी नौसत से परे हो जाते कि उसने वो खाना खा हुआ जिसके अंदर गुस्से की नौसत से। गुस्सा हो या हसद हो या तकब्बुर हो या कोई और बदख्याली हो, ये खाने की पाक चीजों को इतनी मनहूस कर देती है कि जिधर वो खाना पेट में जाएगा उसकी दुआ कबूल नहीं होगी और उससे इस्तजाबत नहीं। एक और वाकया हजरत सवाद में बारे में शहन 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 कर लेते फरमाते हैं, एक बार फिर मैंने देखा कि जनाब खाना तनावर नहीं फरमाते। मैंने आज के हुजूर कि जनाब खाना क्यों तनावर नहीं फरमाते, फिर मैंने आज की फाद ने साथ फरमाया कि आज मैं गुस्से में हूँ, आज मैं गुस्से में हूँ, मैंने अभी गुस्सा किया है इसलिए ऐसा और अभी गुस्सा में यह प्रगालिब है, इस हालत में मैं नहीं खाता कि जो खाना इस हालत में मेरे बदन के अंदर जाएगा मेरी दवा बर्बाद करना। पीर साहब रोटी खाने और मीरा की नमेर बात है गाना भी लगता है, ऐसे देखें उस्ताद हूं खा रहे हूं और शागिर्दों को कौन पकड़ा रखे, इसीलिए मैं उस पर आती हूँ। ठीक है, तो आज ये करना मकसद था कि जब आप ये होलोग्राफिक प्रोसेसिंग करें तो उस वक्त आपके ऊपर कोई भी मनफी जज्बा गालिब नहीं होना चाहिए। अगर असल जन में आ गया कि दिल में ख्याल आया कि आने में ना पैसे मेरे पास पुराना जो कहा थोड़ा मौके पर उठा क्या आ गया, जुल्म का तसव्वुर आ गया, असल का तसव्वुर आ गया, इन दोनों तसव्वुर से जान छुड़ाए अगर कामयाबी चाहिए, या गुस्सा आ गया इस तसव्वुर से जान छुड़ानी है तो कामयाबी चाहिए। ठीक है, तो शमशान की बातें चल रही थी, अब वो पिछली महबूब की बात थोड़ा सी रिवाइज करके इसमें माइंड अप करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे अली भाई हैं फिर प्यारे और जनाब हमारे अफसर जिससे भी आज हमारे दाद शिविर। तो दूसरा टॉपिक ये क्लियर हो गया, उस दिन मैंने एक टॉपिक ये रखा था कि अगर जिंदगी में आप कोई भी चीज़ हासिल करना चाहें तो उसका रूहानी फार्मूला क्या है। एक मतलब इसका ये भी है कि सिर्फ इसी पर गुजारा नहीं करना, अल्लाह के असबाब ज़ाहिर का मुनकर नहीं होना, मेहनत भी करनी है। सही, ये नहीं कि इंसान अंदर कमरे में बैठ जाए चाहूँ तो लगे होंगे होलोग्राफी का गलत बात भाई से नजर रहा हूँ मसला मुझे कम करने लोड ना, अल्लाह के हर लेवल की नेमत का शुक्र अदा करें, हम होलोग्राफिक स्टेज पर हो और मटेरियल से दोनों की कदर करेंगे। ठीक हो, दूसरी बात जो उसने हमने की थी वो बड़ी जबरदस्त बड़ी फिक्र अंगेज रिसर्च के काबिल और अपनी हुकूमत के लिए स्पेशली कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि कल जरदारी साहब कौन से राशि भी खिताब करने वाले, अगर खुद जरदारी साहब को समझ आए तो या अगर कोई उन मोहतरम को समझाए तो या गिलानी साहब के दिमाग मुबारक में पड़ जाए या कोई भी मिनिस्टर जो पढ़ा लिखा अपने आप को समझता हो कम अज कम मेरी इस बात को समझने की कोशिश करें और उसका रिसर्च कराए, उसका फर्ज बनता है। वो मैंने बात क्या की थी, हार्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है, हार्ट टेक्नोलॉजी क्या है कि वो साइंटिफिक फार्मूला कि जिसके जरिए से इकोलॉजिकल या क्लाइमेटिक चेंजेस लाई जाती है। सही, यानी जहां जलजला ना हो वहां जलजला बर्पा करना, जहां जलजला हो रहा हो छोड़ो, सैलाब लाना या सैलाब को रोकना, किसी के एटॉमिक रिएक्टर या कोई और इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन हो उसको तबाह करना या उसको प्रोटेक्ट करना। अब मैं किसी मुल्क पर इल्जाम नहीं लगाऊंगा क्योंकि बाज मुल्क ऐसे होते हैं बड़े महबूब मुल्क होते हैं जी, जिनकी खातिर इंसान इज्जत इस्मत दाव माँ बाप बहने बेटियां सब कुछ दाव पर लगा सकते हैं, इतने प्यारे मुल्क। तो हम किसी का नाम लेकर अपने दाखिल को नापाक नहीं करना चाहते। ठीक है, तो हम किसी मुल्क का नाम नहीं लेते लेकिन रिसर्च का नाम जरूर लेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई प्यारा मुल्क
तुम्हें हर लिहाज से तबाह बर्बाद कर रहा हूं। हार्ड टेक्नोलॉजी, मैंने उस दिन इसका तफसील से बात की थी कि बाद साइंसदानों ने जब तजर्बा किया तो फजा से पॉल्यूशन खत्म कर दी 40-40 मील के एरिए से हार्ड टेक्नोलॉजी के जरिए से। फिर एयरफोर्स ने या मिलिट्री ने या नेवल फोर्सेस ने या दीगर इदारों ने फिर उसको इस्तेमाल किया और पॉल्यूशन खत्म कर दिया टेक्नोलॉजी को, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी को। लेकिन एक साइंसदान जिसका नाम मैंने आपको ट्रनवेलो बताया, ठीक है, उसने क्या किया, यह तजुर्बा किया कि 25 से तकरीबन 35 बरस तक वो एक रूहानी फार्मूले यानी मरकबा पे काम करता रहा। याद है मैंने ये बात की, याद है मरकबा द फ्लावर ऑफ लाइफ, उस पर काम करता रहा और वो उस स्टेज पर जा पहुंचा कि जहां देखा कि साइंटिफिक अपरेटस, साइंटिफिक पैराफर्नेलिया, साइंटिफिक इक्विपमेंट, जो टेक्नोलॉजी लेबोरेटरीज के थ्रू इस्तेमाल करके हार्ड टेक्नोलॉजीज का नाम देके जलजले ला सकते हैं या ऑपरेशन दूर कर सकते हैं या इंस्टॉलेशंस को दबा कर सकते हैं या प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वही काम होलोग्राफिक आर्ट के जरिए से भी मुमकिन है। वही काम दिल भी कर सकता है। ये बात मैंने उस महफिल में तफसील के साथ बयान की। उस स्कॉलर ने अपनी एक टीम तैयार करके एक मेडिटेशन जिसका ताल्लुक मरकबा से बनता था शुरू कर दिया, फजा में पॉल्यूशन खत्म कर दिया। सही। फिर एक एक्सपेरिमेंटेशन उन्होंने और की और वो ये थी कि उन्होंने बारिश नहीं बरस रही थी, बारिश पर कंसंट्रेट किया और फजा में चारों तरफ अब आगे और छनाछन बारिश बरसना शुरू हो गई। तीसरा दिन था तो दोस्तों ने कहा खुदा के बंदे कुछ शर्म करो, क्यों कर करने लगे हो, बंद करो इसे, ठीक है। कहते हैं फिर हमने मेडिटेट किया हार्ट के जरिए से, फिर क्या कह रहा हूं, हार्ट के जरिए, हार्ट के जरिए से फिर हमने कलेक्टिव मेडिटेशन किया और हमने उस बारिश को रोक दिया। ये बयान करने के बाद मैंने अपने सरकार मदीना तैयबा शरीफ के प्यारे पाक का किसान कराई थी और वो हदीस पाक का रेफरेंस पेश किया था, जिस सरकार ने बादल बरसाना शुरू किया तो हफ्ता भर बरसता था। यहां तक बात ठीक है, सारी आपको पता है। अतः की सरकार ने दुआ फरमाई तो रुका, हवा लेना वाला लेना, सरकार ने दुआ भी नहीं फरमाई थी, क्या फरमाया था, यूं उंगली का इशारा फरमाया था। हवा लेना हमारे किरदार के, ठीक है, वला अलैना और हमारे ऊपर नहीं, सरकार ने कोई दुआ नहीं फरमाई, क्या किया, इशारा फरमाया ना, हवा लेना हमारे गिर्द के, हमारे माहौल, हमारे हवाती, ठीक है, हमारे किरदार के, वला अलैना हमारे ऊपर नहीं, बारिश खत्म हो रहा है, बारिश हमारे गिरदा गिर्द मगर हमारे ऊपर नहीं। अब जनाब क्या खूबसूरत सरकार मदीना ने कंसेप्ट दे दिया, मुद्दतें गुजरेंगी, 1400 साल गुजरेंगे और दुनिया में लोग हार्ड टेक्नोलॉजी की तरसाई करेंगे, उस वक्त मेरी इस उंगली का पता चलेगा ये कितनी पावर रखती है। अल्लाह, तुम हार्ड टेक्नोलॉजी के जरिए से और जमीन के पानियों की बात करते हो, उस टेक्नोलॉजी की भी तो बात करो जो सूरज को पलटाता है और चांद को पलटाता है, माने बिना चारा कोई नहीं है। सुभान, इस मौजजा शक्ल कमर या रिजा के आफ्ताब पर एक थोड़ी सी एक शरारत करना चाहता, पूरी दुनिया का दाव पे फिक्र देता आलमी इस्लाम के स्कॉलर्स को और सरकार के मौजजात के बारे में लिखने वालों को, सालिकीन को एक दावत फिक्र देता, जमीन सूरज के गिर्द फिरती है या सूरज जमीन के गिर्द फिरता, जमीन सूरज के गिर्द फिरती है,
जमीन सूरज के लिए। तो जब सरकार ने यह मुआवजा दिखाया था कि असर का वक्त वापस आ गया था, तो उस वक्त जमीन फिरी थी या सूरज फिरा था? इस कर रहा हूं क्योंकि आप इसको, इस मुआवजे को नए डायमेंशन से डिस्क्राइब करने की जरूरत है। बेशक ठीक है। यानी अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं इस मुआवजे को इस तरह बयान करूंगा कि हजरत शेर खुदा और हजरत शहनशाह करीम, शहनशाह कायनात ने जमीन को अपना मरकब बना लिया। वाह वाह, अब यू चल या यू चल, क्योंकि तूने सूरज के गिर्द फिरना है, तू इतनी फ्री है तो सूरज डूब गया है, तो यूं फिर ताकि सूरज। क्या ख्याल है? अगर मौजूदा कॉन्टेक्स्ट में, नए कॉन्टेक्स्ट में और नए सिनेरियो में इस मुआवजे को आप डिस्क्राइब करेंगे जो साइंटिफिकली करेक्ट हो, क्या होती? यानी अगर जमीन स्टैटिक थी तो फिर तो, और सूरज फिर रहा था, तो फिर सूरज से कहा जाए तूने शरारत किया, तू वापस, तू आगे बढ़ गया था, तू वापस। लेकिन अब नया सिनेरियो जो कि साइंस नए उफक पे आ चुकी है, साइंस नए दौर में दाखिल हो चुकी है, अब सूरज अपने मुकाम पर जिस तरह भी गर्दिश कर रहा हो लेकिन उसके गिर्द तो जमीन फिर रही है ना, तो फिर जमीन आगे बढ़ गई थी ना जी, या पीछे रह गई थी? क्या सूरत बनती है जनाब अभी भाई? आगे निकल गई जमीन, आगे बढ़ गई, अपने एक्सिस पे मोशन कर रही है, आ गई क्योंकि सूरज टूट गया, वापस आई तो निकल आया सूरज। हां, जमीन अपने एक्सिस पे मूव करते हुए आगे, ये सूरज है, ये सूरज, जमीन आगे जाएगी सूरज यूं आएगा। अगर जमीन मूवमेंट कर रही है सूरज के गिर्द, जमीन अपने एक्सिस पे मूव कर गई, ऐसे कर रही है ना, लेकिन सूरज ये है, ये जमीन है, अब सूरज के डूबने डूबने के लिए जमीन को यूं जाना पड़ेगा और सूरज डूब जाएगा तो सूरज डूबेगा ना, सही? ये सूरज है और ये जमीन है, जमीन उल्टी साइड पे जाएगी तो सूरज डूबेगा ना, मैंने उस किताब को लिया सलाम है, मेरा खुदा अनीसुल, अनीस तालबीन का यूं ही अनकॉन्शियसली जो सफा खुला उस समय पर हजरत इस्लाम के मुबारक लिखते हैं कि याद रखें मीलाद शरीफ की रात गुजर चुकी, दूसरा दिन है, दूसरी शाम है, और मेरे दिल में ख्याल है कि काश इस हाथ टेक्नोलॉजी की मुझे कुछ और मिसालें मिले। वो किताब आई, मैंने उस किताब को यूं खोला, लिखा हुआ था हजरत इस्लाम के मुबारक फरमाते हैं कि हम सफर कर रहे थे हजरत शहनशाह के बाद, हत्ता के सूरज दोहा के मकाम पे आ गया, यानी ये चार्ज के मकाम पे, ठीक है, आ गया, और उसकी तमाजुक इतनी बढ़ने लगी कि हमारे बदन जलने लगे। हजरत शहनशाह नक्शबंद के रुखे मुबारक पर एक नमदा पड़ा हुआ, नमदा कहते हैं मोटे कपड़े, सही, मोटा कपड़ा पड़ा हुआ था। हमने हजूर की खिदमत में अर्ज की कि हजूर तमाजुक बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बदन जलने लगे, मर्दों ने उनको याद कर रहा हूँ, तो तमाजुक बढ़ गई है और बदन जलने लगे, तो हुजूर के करम फरमा उन्होंने मुंह अपने शेख की तरफ कंड मोड़ी, तो दुआ का सर मुंह फेर दिया, अल्लाह मेहरबानी कर, नहीं आ गया उन्होंने पता सा कि मुंह बूथा पर बढ़ गया। वो खुदा जिसके दोस्त की तरफ पीट करके दुआ करोगे वो तुम्हारे चेहरे के ऊपर लान बरसाएगा, उसकी रहमत चाहिए तो उसके महबूब का वास्ता दे के बात करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो सुहरा हजरत रस आजम हजरत पीर दस्तगीर, मैं फिदा मेरे माँ बाप फिदा, आप इरशाद फरमाते हैं कि सरकार का वास्ता न देना बिदत है। वाह वाह अल्लाह, तो हजरत साहब के बारे में फरमाया कि हमने
इस तरह नहीं किया कि हम सरकार की तरफ पीठ धरते हैं, अल्लाह ताला मेहरबानी कर बारिश दे, हम भी सराब हो, हमारे पीर साहब भी सराब ना, ठीक है, बस बेवकूफ अपने पीरों की दुआएं शुरू कर देते हैं, हम मेरे पीर का कोई अल्लाह, इस तरह की बात बूढ़िया जन्म में भी पाई गई है, अपने पीर साहब को दम करते हैं चगने पे जरूर भी हजरत साहब मुबारक फरमाते हैं कि हमने हुजूर की खिदमत में ये अर्ज की कि जनाब मुझे इसके मारो किस तरह रुके मैंने बंद करी दो सुना छोटा था छोटा तो बंद कर दिया तो छोटे नाम आना आना तो मैंने बात नहीं कर दी है तो मैं बदली दी हुई है कि मैं अपने जिम्मे की बाजे बजा सकती हूँ उधर सच्ची बात बच्चे लाने का मकसद यहाँ सिर्फ उठाना नहीं है बच्चों की तबीयत करना है तो अर्ज कर रहा हूँ जब सरकार ने जो इशारा सुनाया कि अपनी मस्जिदों को अपनी औरतों और बच्चों से बचाओ सरकार ना खवातीन के खिलाफ थे ना बच्चों के खिलाफ थे बचाओ से क्या मतलब है कि खवातीन की बाज आते हैं ऐसी होती है घुमाते हैं मस्जिद में जाना मना है और बच्चे बाज कर मस्जिदों में ऐसी हरकत कर जाते हैं जो मस्जिद के आदाब के खिलाफ होती है यह बड़ों का काम है बच्चों की बात करना बच्चों का सिखाना ये नहीं कि मोबाइल ऑन करके बच्चों के जेब में डाल देना और तुम बाजे बजाते रहो हम बात करते अब हजरत शहंशाह अशरफ के मुरीद फरमाते हैं कि हमने दरख्वास्त पेश की कि हुजूर जनाब रजा फरमाए इस तरह कि सख्त धूप है हुजूर ने अपने रुख मुबारक से नमदा शरीफ उठाया तो जनाब को जब धूप लगी तो जनाब इसने तो मुझे भी जलाना शुरू कर दिया आपने ये नहीं कहा ये नहीं कहा आसमान की तरफ निगाह मुबारक उठाई और सूरज की तरफ देखा और उसकी किरणों की तरफ तवज्जो करके फरमाया मैं देखता हूँ कैसे जलाते हो अल्लाह मैं देखता हूँ तुम्हें तुम कैसे जलाते हो ठीक और एकदम से फजाओं से उड़ते हुए बादल आए उन किरणों को ढांप दिया फजाओं में फजाएं ओवरकास्ट हो गई चारों तरफ बादल छा गए चनाचन बारिश बरसने लगी और बड़ी देर तक बारिश बरसती रही यहां तक हम सारे सराब मैंने किताब बंद की मेरी आंखों में आंसू आ गए मैंने कहा वाह शहंशाह अशरफ रात को गुलाम ने एक बार की गुलाम की ताईद की मुहर अभी आता है अल्लाह तो मैं अल्लाह से दरख्वास्त करूंगा कि हाथ के मामले पर जितने साइंसदान इस महकमे में बैठे हुए हैं आप टेक्नोलॉजी को स्टडी करें और हमारी इस मासूम सादी हुकूमत को मासूम सादा सी हुकूमत को जिन बेचारों को सारे ना बड़े तामल करने वाले लोग हैं बड़े तामल करने वाले लोग हैं उनको बताएं कि जनाब इस तरह बात नहीं चापलूसियों से बात नहीं बनेगी और 90 वो क्या नाम है कराची वाला हाउस क्या नहीं कहते 90 में जाकर कौम पकड़ने से बात नहीं बनेगी और ना अफसरों को आपस में लड़ाने से बात बनेगी और ना इतनी ज्यादा अंग्रेजी पढ़ने से बात बने जिन्हें राजा रियाज साहब ने पढ़ी हुई है आप टेक्नोलॉजी पे बात स्टडी करें और अपने मुल्क को बचाने की गलती ना इतनी अरबी के जितनी रमान मैंने सब ने पढ़ी हुई है ना इतनी कोलो वाला के जनाब सुनने में मैंने पढ़ी हुई है तो एक ही राह पढ़ना काफी है तो उनको समझना चाहिए इसका रिसर्च करनी चाहिए मेहनत करनी चाहिए और मैं ये जरूर कहूँगा कि जाली डिग्रियों वालों को शाबाश और चचा और मामा कहने की बजाय उन तलबा को जो फिजिक्स की स्टडी करने वाले हैं और टेक्नोलॉजी और साइंसिस के पढ़ने वाले हैं उनको स्कॉलरशिप दो इन असेंबली में ब्राह्मण भी आराम ना करो जिनकी जिगरियां जाली हैं जो मेंबर ही नहीं और मेंबर बने बैठे अब कुछ सोचे ना आप लोग कि जिनकी डिग्रियां जाली हैं उन्हें डिग्री की बुनियाद पर इलेक्शन लड़े और जाली होने के बावजूद अभी तक असेंबली में बैठे हुए हैं मेंबर नहीं है तो बैठे हुए तो इन जो है जाली डिग्रियों वाले जाली कैंडिडेटों और जाली असेंबली में काम पर
हराम खर्च करने की बजाय तलबा पर हराम खर्च करो, रिसर्च कराओ, टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटीज कायम करो, और ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कि हार्ड टेक्नोलॉजी पर मेहनत करो वरना मारे जाओ। आज में इस्लाम के अब दीगर ममालिक तालिब हो चुके हैं, पाकिस्तान तो पहले ही हो चुका है, पाकिस्तान तो पहले से तालिब तो जी इस पर बात झुकी। और तब का सूफिया से कहूँगा कि तुम हार्ड टेक्नोलॉजी जो हमारे बुजुर्गों ने इस्तेमाल की है, सरकार के मौजों से भी साबित है और या कि करामतों से भी साबित है, अब हमें भी शर्म आनी चाहिए, हमें भी इस पर काम करना चाहिए, हमें भी इस पर पढ़ना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। दिल वो कुल है जिसका आत्मा जिसका ठीक है। ये आज के मैंने महफूज भी दोहराई है कि देखें शहनशाह नक्शबंद की तरफ से ताईद मुबारक कि जो हमने बात की हमारे मुर्शिद करीम ने दूसरी शाम आकर कहा यह लो तो आज दोबारा हम नहीं माना सुखारा उन्होंने जहाँ रोजरा भी में बैठ के बात कर दिया। मैं भी कुछ आज करूँ आपके साथ चकनाला से आते हुए मुझे गर्मी लगी थी और उसके बाद 5 मिनट के बाद बारिश और पानी पौन से निकल गया था और मिले होकर आपके अस्तों में ठीक हो। तो ये है आज की महफिल का पैगाम ठीक है कि पहली गुफ्तगू पर इजाफा ये किया कि मैं आपको एग्जांपल दिया मुकम्मल फार्मूला इसका ठीक है। ये पिछली महफिल का एजेंडा है सही एजेंडा कहते ना इजाफे एजेंडा उस पर इजाफा। और दूसरा जो मैंने वाक्य आपको सुनाया है ये आपकी कर्म की है हार्ड टेक्नोलॉजी की तरह तो आपकी जिंदगी में भी इस तरह के वाक्य हो सकते हैं और आप ज़्यादा तजुर्बा करते हो। आप देखकर अली भाई मौजूद हैं और हमारे अफसर भी वहाँ तशरीफ लाए नहीं बैठे ना बाकी तशरीफ